ये सरकारी एग्जिट पोल हैं, ये नरेंद्र मोदी के एग्जिट पोल हैं। टीवी पर जो दिखाए जा रहे हैं वो नरेंद्र मोदी के सरकारी एग्जिट पोल हैं। जनता के एग्जिट पोल ने इंडिया को 295 सीटें दी हैं, ऐसा कहते हुए कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने ANI के एक इंटरव्यू में बताया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इस वीडियो को शेयर करते हुए कहा कि ये सरकारी एग्जिट पोल हैं, ये नरेंद्र मोदी के एग्जिट पोल हैं। जनता ने भी इंडिया के लिए एक एग्जिट पोल किया है जो कि 295 आ रहा है। ये सरकारी एग्जिट पोल हैं, ये नरेंद्र मोदी के एग्जिट पोल हैं। जनता ने भी एक एग्जिट पोल किया और उसका आंकड़ा 295 इंडिया के फेवर में आ रहा है। ये साइंटिफिक तरीके से जो हमारी मीटिंग यहां पर चली, हमारा हर LI वहां पे प्रेजेंट था, उन्होंने आंकड़े लिखकर कौन कौन सी सीट है, कितनी मार्जिन से भी जीत सकते हैं, इस पर भी चर्चा हुई। तो मेरा अपना मानना है कि सब घटक दलों के नेता यहां पर थे, शीर्ष नेतृत्व के लोग थे, उन लोगों ने उस पर चर्चा करी। बड़ा साइंटिफिक तरीके से हम लोगों को अंदाजा है कि हम कितनी सीटें जीत रहे हैं। 295 से एक सीट कम नहीं होगी, ये वृहद परिवार अभी बढ़ेगा ही। और तो मुझे लगता है जनता के एग्जिट पोल में और सरकारी एग्जिट पोल जो टीवी पर दिखाकर झुंझुना चलाया जा रहा है उसमें बहुत अंतर है। दोस्तों आपको बता दें, देश में लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण पर आज वोटिंग हुई और अब धीरे धीरे सभी पार्टी और मीडिया अपना अपना एग्जिट पोल बता रहे हैं। एक तरफ NDA वाले अपने एग्जिट पोल में 400 पार का दावा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया अलायंस वाले अपनी 295 सीटों का दावा कर रहे हैं। फिलहाल दोस्तों आपको क्या लगता है, इंडिया और NDA में से किसकी सरकार बनेगी, क्या है अपनी राय, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर दें।